पंजाब की खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब की मान सरकार के सख्त निर्देशों पर तमाम मंत्री इस समय हरकत में नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद मंत्री चेतन सिंह पंजाब के विभिन्न जिलों का दौरा कर सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज बठिंडा सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मंत्री ने अस्पताल में प्रवेश करते हुए रेडक्रॉस की तरफ से बनाई गई दवाओं के मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद लोगों ने बताया कि रेडक्रॉस ज्यादा पैसे वसूलता है। मंत्री ने इस पर सख्ती जताते हुए बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पताल में बनी कैंटीन से लेकर अस्पताल के सभी वार्डों का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने सफाई व्यवस्था की भी समीक्षा की और अस्पताल के गेट के बाहर खड़े बारिश के पानी का समाधान करने को कहा। मीडिया से बातचीत करते हुए चेतन सिंह ने कहा कि मैं हॉस्पिटल में आया हूं, लोगों से बातचीत की है, हालांकि किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। डॉक्टर भी ठीक है, हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काम कर रही है। देखो मैं बठिंडा जिला सिविल हॉस्पिटल उत्थे आया। मैं काफ़ी संतुष्ट हाँ अपना डॉक्टर के जोड़ा वतीरा है ठीक है, बहुत वधिया काम जोड़ा कर रहे हैं, चंगी ओपीडी है और जिन्हें भी पेशेंट आए ने बहुत यानू मिल के जोड़ा किसी की कोई शिकायत मैनू इतने मिली नहीं है। बाकी साढ़े पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उन्हों की एको इच्छा है कि असी पंजाब की जिहड़ी सेहत है उन्हूं चंगी वधिया बना के दईए। पंजाब दे लोकां दा इलाज है जिहड़ा उहदा प्रोपर तरीके नाल होवे उन्हां। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग जिलों में जाकर अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, आज वो बठिंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचे, किस तरीके से अस्पताल में व्यवस्थाएं देखने को मिली? हाँ जी पल्लवी, बिल्कुल। देखिए सीधे तौर पर बात करें कि पंजाब के नए बने स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़माजरा लगातार हर एक हॉस्पिटल के खुद निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। अगर हम कहें कि वो प्रोएक्टिवली हर एक जिले में जाके देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स का ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में क्या हाल है। एक होता है रिपोर्ट से हालत देखना कि रिपोर्ट में यहाँ यहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, यहाँ यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, पर उससे हटकर एक से आगे जाकर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़माजरा हर एक हॉस्पिटल को खुद पर्सनली विजिट कर रहे हैं, खुद लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, खुद पेशेंट से बात कर रहे हैं कि किन किन चीजों की उनको दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या नर्सेस का व्यवहार ठीक है, क्या डॉक्टर समय पे आता है, क्या डॉक्टर से कोई दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है, तो इन सभी चीजों को लेके वो खुद पहुंच के बातचीत करें। तो आज इसी कड़ी में बठिंडा पहुंचे थे। बठिंडा में उन्होंने बकायदा कहें कि हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, डॉक्टर से बातचीत की, पेशेंट से बातचीत की और उसके जो उन्होंने खुद दिक्कत परेशानी देखी उसके ऊपर ही चर्चा की। अगर हम कहें कि बठिंडा हॉस्पिटल के बाहर पानी खड़ा था उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पानी का निकास की भी कोई परियोजना बनाए या कोई कदम उठाए, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल के अगर बाहर पानी खड़ा है तो वहां से बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि मानसून सीजन है, डेंगू मलेरिया ये सब इश्यूज हो सकते थे कहीं पे। तो दूसरी तरफ एक पुरानी कड़ी के ऊपर बात कर रहे हो कि उन्होंने इस चीज पे जोर दिया कि उनको किसी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि जो विजिट करने आए तो डॉक्टर्स काम करते हुए नजर आए, ना कि उनका विजिट करने जब वो विजिट करने पहुंच रहे तो वहां पे गेट पे खड़े होकर उनका स्वागत करने। वो चाहते हैं कि एक्चुअल रियलिटी पता चले कि हॉस्पिटल्स में क्या काम हो रहा है, किसी चीज की कमी है, कोई चीज की सहमति जरूरत है या दवाइयों की कमी है, क्या क्या जो आपको परेशानी है वो आप मुझे बताएं क्योंकि मैं उनका हल निकालूं। इस सोच के साथ चेतन सिंह जौड़माजरा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हर एक हॉस्पिटल को विजिट कर रहे हैं और अपने लेवल पे उनमें सुधार की जहां जरूरत है उसके ऊपर प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं आगे का। चलिए शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के।